गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। जैसा कि आपको पता है कि हम लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर चुके हैं और हम इसके 10 पार्ट्स हैं वो अपलोड भी कर चुके हैं साइट पे, और ये हमारा 11th पार्ट है। इवन दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। हम रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके साथ हमारा जो रिफ्रैक्शन पार्ट है, रिफ्लेक्शन तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट 5 पार्ट्स जो हमारे फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं, दीज आर अबाउट रिफ्लेक्शन, एंड आज हमारा ये रिफ्लेक्शन का भी लास्ट पार्ट है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ लेंस, एंड वी विल डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल्स एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड ऑन पावर ऑफ लेंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पावर ऑफ अ लेंस की पावर होती क्या है लेंस की? देखो, पहले मैं आपको एक डेफिनेशन समझाने की कोशिश करती हूं। एक हमारे पास है ये वाला लेंस, और एक लेंस है ये वाला। अब आप मुझे बताओ, ये जो फर्स्ट है ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड है। इन दोनों में से कौन सा जो हमारे पास लेंस है वो ज्यादा लाइट रेस को कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा? ज्यादा लाइट रेस को कन्वर्ज और डाइवर्ज कौन सा लेंस करेगा, लेंस वन और लेंस टू? देखो, यहां पर जो इसकी अपर्चर है ये क्या होती है, अपर्चर जिसके ऊपर लाइट फॉल करती है, ये अपर्चर है हमारी। ओके, मींस ये इतने डिस्टेंस की लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इतने में 10 लाइट ही फॉल हो सकती है। अब ये क्या है, ज्यादा बड़ा है ना हमारे पास, इसकी अपर्चर बड़ी है तो लाइट रेज भी ज्यादा फॉल हो सकती है। सेकंड थिंग होती है इसकी फोकल लेंथ की। जो हमारी डाइवर्जन और कन्वर्जन है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। मीन्स द पावर ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग द लाइट रेज डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ। अब आपको पता है ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इस अपर्चर पे ही तो डिपेंड करेगी। देखो, रेडियस, अगर आपका जो रेडियस है किसी सर्कल का वो बहुत ज्यादा कम है, लेस है, तो ये अपर्चर भी स्मॉल होगी, स्मॉल रेडियस ऐसा होगा सर्कल। एक आपके पास ऐसा सर्कल है तो रेडियस भी हमारे पास क्या होगा, इसका रेडियस ज्यादा होगा। अगर आपका ये रेडियस ज्यादा है तो आपकी एफ भी तो ज्यादा होगी, आर इज इक्वल टू 2f। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आर 10 है तो एफ कितनी आ गई आपके पास, 5। अगर इसका आर ही 4 है तो एफ कितनी आई आपके पास, 2। तो समझ में आई ना बात। तो मैंने आपको पहले अपर्चर से समझाया कि जहां पर लाइट रेज फॉल करती है, फिर मैंने कहा कि जो आपका जो आंसर है वो होगा, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, द एबिलिटी टू कन्वर्ज और लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस, और हम कह सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ। और एक्चुअली मैंने आपको समझाया कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करती है, और रेडियस पे ही आपकी अपर्चर डिपेंड कर रही है कि वो कितने बड़े रेडियस का पार्ट है, वो कितने, जो आपकी अपर्चर है वो स्मॉल है या बिग है। आप इन दो को कंपेयर कर सकते हो, दिस इज वन, दिस इज टू। अंडरस्टूड, गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर आपका एफ ज्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा, जो आपकी पावर होगी, जो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग जो पावर है वो क्या होगी, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। अगर आपका ये फोकल लेंथ ज्यादा है तो आपकी पावर क्या होगी, कम। अगर आपकी, ये देखो, आपकी अगर फोकल लेंथ कम है तो आपकी पावर क्या होगी, ज्यादा। तो समझ में आया, पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो आपकी जो डेफिनेशन, आप ये भी लिख सकते हो, ये आप लिख सकते हो, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेस।
तो जो पावर ऑफ लेंस होती है वो इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज योर डाइवर्स लाइट रेज। तो हम निकालते कैसे हैं इस पावर को, वो उसके लिए फॉर्मूला है पावर इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। तो P इज इक्वल टू 1/F, F क्या है यहां पर, फोकल लेंथ। समझ में आया पावर क्या होती है, एबिलिटी टू कन्वर्ज योर डाइवर्स लाइट रेज। सेकेंड थिंग इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, P इज इक्वल टू 1/F। देखो मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, चलो पावर की यूनिट क्या होगी पहले हम यूनिट पढ़ेंगे। जो पावर की यूनिट होती है दैट इज डाइऑप्टर, क्या होती है डाइऑप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार 1 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है द यूनिट ऑफ पावर इज, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इज डाइऑप्टर। वो ऐसा नहीं पूछे यूनिट ऑफ पावर, नो, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर तो वो आप यूज करोगे वाट, क्योंकि जो हम वो हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है। अगर डिफाइन हो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, दैट टाइम यू विल राइट डाइऑप्टर। तो हमारे पास क्या होगी, पावर ऑफ अ लेंस की यूनिट डाइऑप्टर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस पे चाहो कितने भी स्टार लगा लो, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पर 90% बच्चे गलती करते हैं, 90%। देखो कई बार क्या होता है, हमें ये सबको याद होता है P इज इक्वल टू 1/F, एवरीबडी, आपका कोई क्लास में जो वीक से वीक स्टूडेंट है ना उसको भी पता होगा पावर इज इक्वल टू 1/F, सबको लर्न होता है, फिर भी 90% बच्चे गलती करते हैं। गलती कहाँ होती है, जब हम इसमें पावर निकालते हैं ना तो उस टाइम पे हमारी जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी चाहिए, किस में होनी चाहिए, मीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में लोगे तो आपका आंसर गलत है। अंडरस्टूड, गेटिंग माई पॉइंट, जब भी हम पावर निकालें तो हमारी फोकल लेंथ किस में होनी चाहिए, मीटर में। इसीलिए मैंने यहां पर स्पेशली आपको लिखा है यहां पर स्लाइड में 1 डाइऑप्टर इज इक्वल टू 1/मीटर, और मैं लिख सकती हूं मीटर इनवर्स। जो हमारे पास डाइऑप्टर है ना, ये डाइऑप्टर तब आती है यूनिट, डाइऑप्टर यूनिट कब आएगी, जब आपकी फोकल लेंथ किस में होगी, इन मीटर्स, इन मीटर्स। जब आपकी फोकल लेंथ मीटर्स में होगी तभी आपकी पावर डाइऑप्टर आएगी। अगर आपने सेंटीमीटर ले लिया तो आपकी जो पावर है वो हमें नहीं पता किस यूनिट में आएगी, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो लेंस की जो पावर है वो किसी सीजीएस सिस्टम में है ही नहीं, सिर्फ हमें एक ही सिस्टम में पता है सही में, दैट इज डाइऑप्टर। ओके, हम अगर हमने एफ को सेंटीमीटर में ले लिया तो हम उस पावर को किसी भी चीज से डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप इस न्यूमेरिकल को करो तो आपको ये याद रखना है कि आपकी फोकल लेंथ किस में हो, मीटर्स में हो। गलती क्या होती है, हमें फोकल लेंथ दे दी जाती, ऑलमोस्ट 99% आपको फोकल लेंथ दी जाती है सेंटीमीटर में, और हम कैसे क्या करते हैं, पी इज इक्वल टू 1/F, 1/10 एंड 0.1 डायोप्टर, ये हम कर देते हैं, वो क्या है, गलत, और हमारे 2 के 2 मार्क्स चले जाते हैं। तो सिर्फ और है क्या, सबको पता है, सब कुछ पता है, पर गलती कहां करते हैं, इस फोकल लेंथ को चेंज नहीं करते, बस एफ 1/F में पुट करते और आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। पर आपको ये गलती नहीं करनी, आपको याद रखना है कि हमारे पास जो फोकल लेंथ है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होगी, मीटर में होगी, वो सेंटीमीटर में नहीं होगी। अगर सेंटीमीटर में गिवन है, फर्स्टली मेक इट इनटू मीटर्स, तो पहले आप उसको मीटर्स में चेंज करोगे, आफ्टर दैट यू विल डिवाइड एंड देन यू विल गेट द आंसर इन डायोप्टर्स। समझ में आया, ठीक है। तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर, कि आपकी जो पावर है यूनिट डायोप्टर होती है, और उस टाइम पर डायोप्टर यूनिट तब आएगी जब आपकी फोकल लेंथ किसमें होगी, मीटर में होगी। अब देखो, मैनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेंसेज, देखो जरूरी तो नहीं कि हमारे पास एक ही लेंस हो, बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में एक से ज्यादा भी हमारे पास लेंसेज होते हैं, तो हम उसकी पावर कैसे निकालेंगे, दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस ऑफ द इमेज। देखो आपको पता है ना, अभी आजकल आप फोन यूज करते हैं सब,
हम बोलते हैं ना कि इसका जो कैमरा है वो इतने मेगापिक्सल का है, इसका इतने मेगापिक्सल का है, उसका मेगापिक्सल का मतलब क्या होता है? आप बोलते हैं ना कि हम इसको जूम करते हैं तो भी हमारी जो इमेज है वो क्लियर दिखती है, उसका मतलब होता है मैग्निफिकेशन से। मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा करके दिखाना, ठीक है ना, मतलब क्लियरिटी आ जाना। तो बहुत सारे जो हमारे कैमरे हैं जो वो अच्छे होते हैं, उसका मतलब क्या, उसमें के अंदर क्या कर रहे हैं, उसकी पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, पावर ऑफ लेंस। और वो कैसे इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत सारे लेंसेज को क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं। तो मतलब मैंने एक एग्जांपल दिया है, ये मत सोचना कि उसी के अंदर यूज होता है, उसी के अंदर हमने 10 लेंसेज यूज कर देने, उसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर मैं सिर्फ एक आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बहुत सारे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके अंदर लेंसेज का यूज होता है, और उसके अंदर हम एक पावर को इंक्रीज करते हैं। क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन शार्पनेस ऑफ द इमेज, कि आपको इमेज है वो क्लियर दिखे, ठीक है। तो हम उसको जो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 लेंसेज हैं, हमने ऐसे 2 लेंसेज ज्वाइन कर दिए, एक ये लेंस है, एक ये लेंस है, ऐसे से ऐसे हमने क्या कर दिया, 2 लेंस को कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से। इसकी जो पावर है हमारे पास वो है फॉर एग्जाम्पल 2 डाइऑप्टर और इसकी है 3 डाइऑप्टर। तो हम टोटल पावर कैसे निकालेंगे इसकी, व्हाट विल बी द नेट पावर ऑफ दिस लेंस? सो नेट पावर के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, P1 + P2 + P3। सो P इज इक्वल टू, यहां पर क्या आएगा, ये P1 है आपकी, ये क्या है आपकी P2, तो P1 + P2 इट मीन्स 2 + 3 = 5 डाइऑप्टर। ये आपके पास क्या आ गई, टोटल पावर ऑफ द लेंस। तो आपको सिंपल क्या करना है, एडिशन करना है बाय द, ये लिखा हुआ ना, द नेट पावर ऑफ द लेंस इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट इज गिवन बाय द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स। तो जो टोटल नेट पावर होगी वो उनके इंडिविजुअल सम के इक्वल होगी। समझ में आया? तो हमने क्या क्या पढ़ा, पावर क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P = 1/F, पावर की यूनिट डायोप्टर होती है, और हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो फोकल लेंथ है दैट मस्ट बी इन मीटर्स, इफ इट इज गिवन इन सेंटीमीटर्स फर्स्टली मे चेंज इट इनटू मीटर्स देन डिवाइड, ओनली दैट टाइम द पावर विल बी इन डायोप्टर्स एंड नेट पावर इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम ऑफ द पावर्स। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर मैं आपको एक चीज और समझाती हूँ। कल भी मैंने आप इसके बारे में डिस्कशन किया था, पर आज भी मैं आपको बताती हूं। देखो, मैंने कल बताया था आपको फोकल लेंथ पॉजिटिव एंड फोकल लेंथ नेगेटिव एंड पी इज इक्वल टू 1/F। अगर एफ पॉजिटिव होगा तो पी भी तो पॉजिटिव होगा, अगर यहां पर एफ नेगेटिव है तो पी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर ना? तो क्योंकि P इज इक्वल टू 1/F, अगर F पॉजिटिव है तो हमारा पावर भी पॉजिटिव आएगी, अगर हमारे पास F नेगेटिव है तो हमारी पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ये पॉजिटिव किस लेंस के लिए होता है, फोकल लेंथ इज पॉजिटिव फॉर विच लेंस, कॉन्वेक्स और कॉनकेव? दिस इज फॉर कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स, एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव। क्लियर द पॉइंट? तो बहुत बार 1 मार्क्स में ये ऐसा भी पूछा जाता है, द पावर ऑफ अ लेंस इज +3 डायोप्टर, विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड, या हमको बोलेंगे कि किसी आई के लिए हमने एक ऐसा लेंस यूज किया है जिसकी पावर 3 डायोप्टर है, तो बताएं कि कौन वो कौन सा लेंस है। मतलब कैसे भी क्वेश्चंस को फॉर्म किया जा सकता है। अगर आपकी पावर पॉजिटिव है इसका मतलब कौन सा लेंस है, आप देखो यहां से, कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आपकी पावर नेगेटिव है, यहाँ पे -3 डायोप्टर है, तो कौन सा लेंस आ जाएगा, कॉनकेव लेंस आ जाएगा। तो बहुत बार इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपकी पावर पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, पावर नेगेटिव है तो क्या लेंस होगा।
तो आपको फोकल लेंथ का पता है, वो हम स्टडी कर चुके हैं। कल मैंने आपको बहुत बार ये बात बताई थी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे होती है, मैंने आप डायग्राम से भी आपको समझाया था, और कॉनकेव की नेगेटिव, कॉनवेक्स की पॉजिटिव। तो वहीं से पावर आएगी आपके पास, जो पावर है वो पॉजिटिव होगी कॉनवेक्स के लिए, पावर नेगेटिव होगी कॉनकेव के लिए। नेक्स्ट, यूजेज ऑफ लेंस। अब हम ये पढ़ेंगे यूजेज ऑफ लेंस, हम यू लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। देखो जैसे मैंने आपको समझाया ना, फोटोग्राफिक कैमरास, अभी मैंने आपको बताया ना पावर के टाइम पे, कि हमने जब बोलते इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, तो उसमें हम मेगापिक्सल्स बढ़ाते टाइम क्या करते हैं, कि आप क्या समझते हो कि ये आप जो फोन खरीदते हो, आपको बताया जाता है ना कि इसका तो इतने मेगापिक्सल का है, इसका इतने ज्यादा मेगापिक्सल का है। ज्यादा मेगापिक्सल का मतलब क्या है, उसके अंदर क्लियरिटी ज्यादा होगी, क्लियरिटी ज्यादा होगी, इट मीन्स इसकी पावर क्या है, ज्यादा है। पावर ज्यादा, इसका मतलब उसके अंदर ज्यादा लेंसेज यूज किए गए हैं। और नेट पावर कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके, क्लियर? तो वो आप समझ में आ गए ना, फोटोग्राफिक कैमरास में। मैग्नीफाइंग ग्लास, सेम थिंग, मैग्नीफाइंग ग्लास तो आप अपनी लेबोरेटरी में देख भी सकते हो, एक ऐसा सर्कल सा होता है सिर्फ, जब आप उसको लगाते हो ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऐसे किसी स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम रखेंगे, तो हम ऐसा नहीं किसी भी डिस्टेंस पे आप रख दो, आपको मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है, लार्ज, मैग्नीफाई मीन्स लार्ज। जब आप एक उसको स्पेसिफिक डिस्टेंस पे हम रखेंगे, तब हमें उसकी जो इमेज है वो क्या दिखेगी, लार्ज, बड़ी। जो बहुत छोटी चीज है ना, माइन्यूट चीज है, हम उस हमें वो अपनी नेक डाई से नहीं दिख रही। अगर नेक डाई से नहीं दिख रही, तो हम किसी चीज की तो हेल्प लेंगे ना, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। सेम माइक्रोस्कोप में भी लेंस का यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप का यूज छोटी चीजों को देखने के लिए किया जाता है, टेलीस्कोप का यूज दूर की चीजों को देखने के लिए किया जाता है, और सबको पता है कि हमारे ह्यूमन आई में भी क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। समझ में आया? तो बहुत इजी है इनको याद करना, सबको पता है मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और ह्यूमन आई तो सबको ही पता है इसमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। फोटोग्राफिक कैमरास तो सबको ही पता है। तो लेंसेज के जो यूज है वो एक कोई भी न्यू यूज नहीं है। तो आप टेलीस्कोप तो आपको पता ही, दूरबीन आप यूज करते थे ना, दूरबीन मेले में से खरीद के, तो वो वही तो है टेलीस्कोप, वो दूरबीन ही तो होती है जो हम छोटी जो दूर की चीजों को देखने के काम आती हैं। हमें पास में दिखते थे ना, हम दूरबीन से ऐसे करके देखते जब छोटे छोटे थे, है ना, ऐसे करके देखते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, टेलीस्कोप, ठीक है। उसमें भी क्या लगा होता है, हमारे पास लेंस लगा होता है। क्लियर द पॉइंट? ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। क्वेश्चंस, दीज आर फ्यू एनसीईआरटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पावर ऑफ लेंस। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस। वन डायोप्टर, सबको पता है वन डायोप्टर क्या होगा, देखो पी इज इक्वल टू 1/f। पी वन कब आएगा, वन जब यहां पर, अगर मैं यहां पे 2 ले लूं तो क्या यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ, अगर f की वैल्यू 2 है तो p कितना आएगा, 1/2, 0.5 डायोप्टर। 3 है तो कोई और वैल्यू आएगी, 5 है तो कोई और वैल्यू आएगी, तो p की वैल्यू 1 कब पॉसिबल है, जब f की वैल्यू क्या हो, 1 मीटर हो, 1 मीटर। अब आप देखो 1 मीटर, 1/1, 1, तो और 1 डायोप्टर आ जाएगा 1 per meter। ओके, तो हमारे पास पावर 1 डायोप्टर कब आई, जब आपकी फोकल लेंथ किसके इक्वल है, 1 मीटर के इक्वल है। तो डिफाइन 1 डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस, आप क्या लिखोगे, द पावर ऑफ लेंस। मैं बहुत ही स्लो रिपीट कर रही हूं, जब भी आप वीडियो देखें तो आप ये डेफिनेशन नोट कर सकते हो, द पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर इफ इट्स फोकल लेंथ इज 1 मीटर। क्लियर? जब इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होगी, उसी लेंस की पावर को डायोप्टर कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कॉन्वेक्स लेंस कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बच्चों, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? देखो मैं हर जहां पर भी कुछ भी आ रहा था, आपको सारी चीजें बताती हुई चल रही हूं, क्या भूले ना, कन्वर्जिंग होता है।
फोकल लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। पावर भी क्या होगी? पॉजिटिव। चलो हमें इतना तो पता लगा। फॉर्म्स अ रियल एंड इनवर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रही है? 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। ठीक है, इसका मतलब जो आपके पास वी की वैल्यू है, वी सेकेंड हमें यहाँ पर सोल्व कर रही हूं, जो वी है हमारे पास वो क्या है आपका? 50 सेंटीमीटर है। वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताओ कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते थे कि उसकी इमेज सेम साइज की बनती थी? मैंने आपको साइज लर्न करवाए थे ना, कैसे करवाए थे? मैंने सिर्फ आपको एक पॉइंट बताया था कि जब हम ऑब्जेक्ट को इस पे रखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो सेम साइज की बनेगी और सेम पोजीशन पे बनेगी। और उससे अगर लेफ्ट साइड रखोगे तो स्मॉल बनेगी, उससे राइट साइड रखोगे तो लार्ज बनेगी। तो वो कौन सा पॉइंट था जिस पॉइंट पर जो आपका साइज था ऑब्जेक्ट का वो सेम था? दैट पॉइंट वाज 2F। 2F पे जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो क्या रहता है? सेम। ठीक है ना, 2F पे सेम। अगर 2F के इस साइड रखेंगे तो स्मॉल, इस साइड रखेंगे तो लार्ज। तो 2F की जो इमेज है वो कहां पर बनती है? 2F पे ही बनती है। नहीं तो आप देख सकते हो पीछे वाली वीडियोस को, मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ये बात एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं कि 2F की 2F पे बनेगी। बियॉन्ड 2F का रिलेशन होता है बिटवीन एफ एंड 2F से, और इनफिनिटी का रिलेशन होता है फोकस से। ये तीन पॉइंट मैंने आपको मिरर में भी बताए थे, वहां पर 2F को रिप्लेस किया गया था सी से, और ये हमने लेंस में भी पढ़े हैं। तो 2F की इमेज बनेगी 2F पे, इसका मतलब 2F की टू ऑब्जेक्ट भी 2F पे और इमेज भी 2F पे है। तो ये किसके, जो 50 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है? 2F के। अगर आपकी इमेज का साइज सेम है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, यू भी कहाँ है? 50 सेंटीमीटर पे है। बट दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर माई पॉइंट? भाई हम इनको, इन्होंने सिर्फ इतना बताया हमें कि साइज सेम है, और ये पूछ रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। जब साइज सेम है तो हमें पता है ऑलरेडी इमेजेज की फॉर्मेशन से, जब साइज सेम होता है इमेज का, वो इमेज 2F पे होती है, और 2F की जो इमेज है वो 2F पे ही बनती है। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का और इमेज का वो क्या होगा आपके पास? सेम। तो यहाँ पर यू भी क्या आ गया हमारे पास? -50 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? पावर ऑफ अ लेंस। अब पावर यहां से कैसे निकलेगी? डायरेक्ट पावर तो हम नहीं निकाल सकते, हमें क्या चाहिए उसके लिए? हमें पहले चाहिए फोकल लेंथ। तो यहां पर लगाओ लेंस फॉर्मूला, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/v, 1/50, माइनस माइनस प्लस 1/50, 1/f। तो यहां से f किसके इक्वल, 1/f किसके इक्वल आ जाएगा? 2/50, और f आ जाएगा 50/2, तो f आ जाएगा हमारे पास 25। अब ये किस में आया है? 25 सेंटीमीटर आया है हमारे पास f। क्लियर? तो अब हमें इसको किस में चेंज करना है? मीटर में चेंज करना है। तो 25/100 मीटर में हो गया ना, अभी तो कितना आ गया? 1/4 मीटर। पावर हमें निकालनी है, पावर इज इक्वल टू 1/f। तो पी इज इक्वल टू 1/1/4 इज पी इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। क्लियर? तो हमारे पास यहां पर पावर क्या आ गई? 4 डायोप्टर। आप देखो पॉजिटिव आई ना हमारे पास पावर ऑटोमेटिकली, तो हमारे हम आंसर भी चेक कर सकते हैं अपना, ठीक है गलत है। अगर यहां पर नेगेटिव आती तो इसका मतलब हमारा आंसर गलत हो जाता। क्यों हो जाता? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। मैंने देखो पहले ही आपको यहाँ पर सारी चीजें लिख के बताई, फोकल लेंथ भी क्या आएगी? पॉजिटिव। देखो हमारे पास फॉर्मूले से पॉजिटिव आ रही है हमारी फोकल लेंथ, 25 सेंटीमीटर।
और जैसा मैंने आपको बताया कि हम 1/f डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में, ओनली देन वी कैन डिवाइड। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आया, 4 डायोप्टर। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, कि पावर क्या होगी कॉनकेव लेंस की जिसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है। बताओ कितनी क्या होगी पावर, फोकल लेंथ गिवन है 2 मीटर, वेरी सिंपल, पी इज इक्वल टू 1/f, 1/2। यहाँ पे तो मीटर में ही, तो हमें कुछ चेंज ही नहीं करना, डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे, 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस, सॉरी दिस इज अ कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट इज नेगेटिव, तो यहां पर क्या आएगा, -2, एंड दिस इज -0.5 डायोप्टर। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है, कॉनकेव लेंस है यहां पर, तो कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, इसलिए पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव। तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि लेंस कौन सा गिवन है, दो चीजों पावर के फॉर्मूले में दो चीजों पे आपको ध्यान देना है, एक तो नेचर ऑफ लेंस, नेचर ऑफ लेंस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, आपको इन दो चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, नेचर ऑफ लेंस पे, सेकंड कि जो आपको फोकल लेंथ है वो मीटर में गिवन है या सेंटीमीटर में गिवन है। यहीं पर दोनों चीजों में गलती होती है, कई बार हम पढ़ लेते हैं लेंथ, हाँ ठीक लेंस है, तो एज इट इज जो फोकल लेंथ दे रखा है एज इट इज लिख देते हैं भी 2 मीटर गिवन है, ये नहीं पढ़ते कि कॉनकेव लेंस है कॉनवेक्स लेंस है, ठीक है ना, तो आपको ये देखना है और मीटर और सेंटीमीटर को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इट मीन्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस इट मीन्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव +10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड इट इज ऑलवेज नेगेटिव, फाइंड द नेचर पोजिशन एंड साइज ऑफ इमेज ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो बताओ कैसे निकालेंगे, एफ दे रखा है, यू दे रखा है, तो पहले वी निकाल लेंगे, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, वी निकालना है तो 1/v इज इक्वल टू 1/f +1/u, पुट द वैल्यूज, क्या आएंगी हमारे पास वैल्यूज यहां से, 1/f 1/10 एंड u इज -1/15, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आएगा एलसीएम यहाँ पे हम क्या ले लें, 30, तो यहाँ पे बताओ 3 - 2 ये आएगा 1/30, तो 1/v इज इक्वल टू 1/30 और v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, तो पोजीशन क्या आ गई हमारे पास 30 सेंटीमीटर, कहाँ बन रही है आपकी इमेज, 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। अब आप देखो निकाल के मैग्निफिकेशन और साइज हम कैसे निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन क्या होती है, एम, इस फॉर्मूले में माइनस है अगर तो मैग्निफिकेशन में क्या आएगा, +v/u, वी की वैल्यू क्या है 30, यू की वैल्यू क्या है हमारे पास -15, तो क्या आएगी -2, तो हियर मैग्निफिकेशन इज -2, तो -2 का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट इज द नेचर, माइनस और प्लस क्या बताता है मैग्निफिकेशन में, नेगेटिव का मतलब होता है इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज का मतलब क्या है हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, इट सिग्निफाइज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, अगर प्लस होगा तो वर्चुअल एंड इरेक्ट को शो करेगा, ओके okay, और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का, एम इज इक्वल टू एच ऑफ इमेज, एच ऑफ इमेज बाय एच ऑफ ऑब्जेक्ट, तो एम की वैल्यू क्या है हमारे पास -2,
इमेज की हाइट, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या आई हमारे पास, क्या गिवन है, टू। तो हाइट ऑफ इमेज या साइज, हाइट क्या होती है, साइज ही तो होता है, तो क्या आ जाएगा, -4 सेंटीमीटर। -4 का मतलब क्या है, इट इज फॉर्मिंग बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने कल बताया था ना, प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर वाली क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और इससे नीचे वाली नेगेटिव। तो ये हमारे पास जो ऊपर वाली है वो पॉजिटिव, नेगेटिव इमेज क्या आ रही है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रहा है। ओके, नीचे बन रहा है, इसे तो मैंने इन्वर्टेड लिखा, और इन्वर्टेड कौन सी होती है, रियल होती है। तो मैग्निफिकेशन भी तो वही है, हाइट ही क्या, साइज का रेशियो क्या होता है, मैग्निफिकेशन। तो यहां से भी हम बता सकते हैं कि इन्वर्टेड इमेज है, यहां से भी बता सकते हैं कि जो नेगेटिव होता है उसका मतलब ही क्या होता है, कि जो आपकी इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके चिल्ड्रन, होप यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। तो ये चैप्टर हमारा आज फिनिश हुआ, इसके जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे वो होंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से रिलेटेड। तो हम इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक, आप ये वीडियोस देखना ना भूलें, और स्टार्ट जब भी आप ये चैप्टर पढ़ें तो स्टार्टिंग से वीडियोस देखें, बीच से आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। थैंक यू।